नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जंबल हैक को अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो जो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा यार स्मैश पे। स्मैश बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं नाम सुना होगा। क्या चीज़ है क्या नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जो स्मैश है वो एक नया ही वर्ड है गेमिंग जोन के अंदर। मतलब बहुत ही नई नई डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको वहाँ पर गेम्स खेलने को मिलेंगी। फ़िलहाल ही मैं वहाँ पर जाके आया हूँ, तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ भी, क्या है वहाँ क्या नहीं है, हमें वहाँ पे कौन सी गेम खेलनी चाहिए कौन सी नहीं खेलनी चाहिए, कितना कॉस्टली है कितना कॉस्टली नहीं है, ए टू जेड आपको हर डिटेल बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली जो बात है यार वो बेस्ट है। मतलब अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाना है तो यार बेस्ट है, और आपको हर जगह में मिल जाएगा। जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं हर उस शहर के अंदर मिल जाएगा, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, तो चंडीगढ़ और बहुत सी जगह पर आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े शहर में सब में मिल जाएगा। और जो दूसरी जो बात है यार वो थोड़ा सा कॉस्टली है, मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा सा कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है, गेम कॉस्टली नहीं है, हालांकि वहाँ पे आपको गेम्स जो भी है वो आपको सही रेट में मिल जाएंगी खेलने के लिए। सपोज़ करो अगर आपको वहाँ पे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट का भी जो प्राइस है वो 300 के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा, और अगर जो उनके जो स्पेशल ऑफर होते हैं तो उस हिसाब से आपको 200 में मिल जाएंगे 3-4 आवर्स खेलने के लिए गेम। तो वो ठीक है, लेकिन कॉस्टली इसलिए आ जाता है क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ खेलने जाओगे तो आपको जो कार्ड बनवाना पड़ेगा वो एक स्पेशल कार्ड होगा, वो होगा अप्रोक्स 1100 का, 1100 से लेके 1200 का वो कार्ड होगा। तो वो कार्ड्स के अंदर जो आपको बैलेंस मिलेगा वो मिलेगा 900, तो मतलब आप 900 की ही गेम्स खेल सकते हो, 200 जो है वो आपका GST के अंदर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है अगर सिंगल पर्सन वहाँ खेलने जाता है तो। अगर आपका ग्रुप है तो आप जाओ, जरूर जाओ, बहुत ही अच्छी और इन्जॉयबल जगह है। तो सबसे पहले आप ये कार्ड देखिए, तो आपको इस टाइप का वहाँ पे कार्ड बनवाना होगा जो बनेगा 1100 का, ये उससे हाई रेट में भी बन जाएगा, मतलब 3000 का 4000 का, तो वो आप पे डिपेंड होगा आपको जिस रेट का बनवाना है। तो इसके अंदर मतलब बहुत सी गेम्स खेलने को मुझे मिली थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो गेम खेली थी हमने वो थी बुल राइडिंग। तो बुल राइडिंग के अंदर क्या था वो आप देखो आप अभी। तो जैसे आपने देखा कि बुल राइडिंग के अंदर यार बहुत ज़्यादा इन्जॉय है, ऐसा नहीं है कि भी देखने वाले को इन्जॉय है सिर्फ, उसको खेलने वाले को भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप यार उस पर ट्राई करोगे ना बुल पे बैठे रहने का, तो वो नहीं कर सकोगे आप, क्योंकि आप गिरोगे ही गिरोगे 100%। वो इतना फास्ट चलेगा या फिर इतना वो मतलब इधर उधर होगा, तो यार बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बार ज़रूर ट्राई करो इसे। और जो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो हमने खेली थी वो थी ह्यूमन क्लो। ह्यूमन क्लो के अंदर क्या था कि आपको लटका देंगे एक फट्टे से पे, उसके बाद आपसे मतलब कोई भी आपको गिफ्ट लाना होगा वहाँ से, तो वो भी आपको दिखाते हैं, तो देखिए आप। तो जैसे यार आपने देखा अभी ह्यूमन क्लो में भी हमें कोई गिफ्ट लाना पड़ा था। जो इसकी जो सबसे बेकार जो चीज़ थी यार वो ये थी कि जो गिफ्ट हमें मिला
ये जितने भी वहाँ गिफ्ट्स थे उन सब में कुछ भी नहीं था, वो सारे के सारे खाली थे। उन्होंने बस वैसे ही इसको इंजॉय के लिए बना रखा है, भी आप जाओ गिफ्ट लाओ, और जब आप गिफ्ट देखोगे उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, वो खाली निकलेंगे। और एक लेटर जरूर मिलेगा आपको उस गिफ्ट के साथ, तो उस गिफ्ट पे उस लेटर में ये लिखा होगा भी आपको 20 पॉइंट्स मिल गए, 30 पॉइंट्स मिल गए। और 30 पॉइंट्स में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर आप कोई वहाँ पे गिफ्ट भी लेना है तो वो मिनिमम 100 पॉइंट्स में मिलेगा, और 100 पॉइंट्स में भी यार एक बिल्कुल छोटी सी आपको वहाँ कार मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यार इस गेम पे तो पैसे बर्बाद हैं, वेस्ट हैं, ये गेम मत खेलो आप। और इसके अलावा जो हमने गेम खेली थी वो थी सुपर गोलकीपर, तो वो भी गोलकीपर बहुत अच्छी गेम है, तो आपको वो भी दिखाते हैं, देखिए आप। तो यार जैसे आपने देखा कि जो गोल है वो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है यहाँ पे करना, तो वैसे गेम बहुत अच्छी है ये, मतलब आप ट्राई करो गोल करने की, गोल होगा ज़रूर। और इस गेम को मतलब आप ट्रिक से हैक कर सकते हो एक तरीके से, अगर आपके पास ट्रिक्स हैं फुटबॉल की तो आप ज़रूर गोल कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट उसको गोल कर रहे हो तो आप नहीं गोल कर सकते, क्योंकि बहुत ही एडवांस सिस्टम से इस गेम को बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी गेम है। और इसके अलावा जो एक गेम थी वो थी क्रिकेट की गेम, मतलब आपको हर वीडियोस में देखने को मिल जाएगी, तो उसका एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। तो उस गेम में क्या था, पहले आप गेम देखिए फिर आपको बताते हैं, तो गेम देखिए। तो यार जैसे आपने देखा कि क्रिकेट की गेम भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही वहाँ पे यार कुछ नया एक्सपीरियंस है, फिर बाकी किस पेस से बॉल आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ यार जो मलिंगा की जो बॉल्स थी तो वो मेरे को तो यार एक भी बॉल नहीं दिखी उसकी, हालांकि मैंने खेली 3 डिलीवरीज थी, मतलब 3 ही उसकी बॉल खेली थी, तो मेरे को एक भी नहीं दिखी वो कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, इतनी फास्ट थी वो बॉल्स। और जो दूसरी बॉल्स थी बाकी प्लेयर्स की, जो ब्रावो की बॉल्स थी तो वो मीडियम पेसर हैं, तो उसकी बॉल आपको मिल जाएगी खेलने को भी, हाँ आप उसको टारगेट भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने मुरलीधरन को 4 भी किया था, लेकिन ब्रावो जो है वो विकेट टेकिंग बॉलर है, तो उसने मेरे को 2-3 बार आउट कर दिया था वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा यार एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मतलब आप ज़रूर जाओ, आप ज़रूर ट्राई करो। और जो वहाँ पे जो प्राइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट 3 गेम्स थी ह्यूमन क्लो, बुल राइडिंग और सुपर गोलकीपर, वो 2-200 की हमने खेली थी,
गोलकीपर वाली गेम्स में आपको 5 गोल करने को मिलेंगे उसमें, और जो ह्यूमन क्लो है उसमें आपको 1 चांस मिलेगा आपको एक बार में जाके गिफ्ट लाने, और जो बुल राइडिंग है उसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, अगर आप 3 बार गिर जाते हो फिर जाके आपका मतलब नंबर ख़त्म होगा। तो यार बुल राइडिंग तो ऐसी गेम है यार, आपको ज़रूर खेलनी चाहिए वहाँ पे, मतलब आपको ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा देर उस पर बैठे रहने का, पर वो आपसे नहीं होगा, मतलब आप 4 या 5 मिनट्स ही रह सकोगे। बाकी यार आपको वहाँ पे बहुत सारी गेम्स मिल जाएंगी, मतलब 5-6 गेम्स और हैं वहाँ पे, बहुत कुछ गेम्स हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, तो आप जाओ ज़रूर ट्राई करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये अब आपकी ड्यूटी है, इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को शेयर करना, और बस आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू।